गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज काफी दिन बाद आ रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आ चुकी है हमारी नई सेल्फी स्टिक जो हमने मंगाई थी उलानजी की। लेकिन बाहर मूड में और बाहर काफी गर्मी हो रही है, तो चलो अंदर चलते हैं। हाँ अब ठीक है। तो ये है अपनी ट्राइपॉड उलानजी की, MT11 उलानजी की ये ट्राइपॉड है। एक्चुअली इसको मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ ऑनलाइन, और ये कि लॉकडाउन में बहुत टाइम से ही अवेलेबल थी, तो अभी जाके ये अनलॉक हुई और मेरी सेल्फी स्टिक टूटी तो मुझे मंगवानी पड़ी। तो ऑब्वियसली सबसे ऑब्वियस चीज तो इसकी यही है कि इसकी तीन ट्राइपॉड फ्लेक्सिबल लेग्स हैं, जिसको भी कैसे भी मोल्ड करके इसको खड़ा कर सकता हूँ और कैसे भी सरफेस पे इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो ये तो इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि इसको मैं कैसे भी मोड़ सकता हूँ, कैसे भी इसको कर सकता हूँ और इसको कैसे भी रख सकता हूँ किसी भी सर्फेस पे, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए ये कि मेरा जो पहले सेल्फी स्टिक पे मैं फोन रखता था और व्लॉगिंग करता था, वो फोन भी मेरी सेल्फी स्टिक इसीलिए टूटी थी कि मैंने उसको एक सर्फेस पे रखा और जब मैंने उसके ऊपर फोन लगाया तो सेल्फी स्टिक मेरी काफी लाइट थी और फोन हैवी था, तो फोन हैवी होने की वजह से वो हमेशा डिसबैलेंस बहुत ज्यादा बार होती थी। तो ये इसका वेट काफी अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा बैलेंस भी फोन का बना रहता है। तो ये तो सबसे पहला फीचर हो गया इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि इसके ऊपर कैमरा तक लग सकता है। वैसे ये फोन के लिए भी है और इस पर मल्टीपर्पज है, इस पर कैमरा भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, और फोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब फोन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जिस सर्फेस पे इसका DSLR लगता है, यहाँ पे माउंट होता है, उसी सर्फेस को इसको यहाँ से अगर हम खोलें तो ये ओपन हो जाता है ऐसे, और ये जो ओपन होता है इसको ऐसे करके हम यहाँ पे इस पे फोन लगा सकते हैं, तो जबकि ये ऊपर हो जाएगा और यहाँ पे इसका फोन लग जाएगा। ना सिर्फ फोन लगेगा, जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी इसमें सॉल्व हो गई है, माइक की। क्या मेरे को माइक के लिए अलग से कोई जुगाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे फोन लगेगा, तो यहाँ पे इन्होंने माइक के लिए सेपरेट एक सेक्शन दे रखा है, यहाँ पे अपने माइक को मैं लगा सकता हूँ। और अगला जो बड़ा अच्छा फीचर लगा मुझे वो है इसका बॉल हेड, कि जो इसका बॉल हेड है इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में ऐसे फिट कर सकता हूँ, और ये किसी भी डायरेक्शन में मैं इसको रोटेट करके और एंगल फिक्स करता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ रखना चाहूँ तो मैं यहाँ इसको यहाँ रख के इसको यहाँ से टाइट कर सकता हूँ, तो अभी बिल्कुल रिजिड हो गया और फिक्स हो गया। तो अगला और सबसे अमेजिंग ऑप्शन ये है इसमें कि मैं इसके लिए यहाँ पर मैं इसके एक और स्क्रीन लगा सकता हूँ या कुछ भी कैमरा लगा सकता हूँ कोई छोटा, फॉर एग्जाम्पल मुझे GoPro लगाना है या डेडिकेटेड, ये एक्चुअली में स्क्रीन के लिए होता है कि स्क्रीन के लिए, लेकिन कुछ भी लगा सकता हूँ, माइक तक मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ अगर माइक का मेरा स्क्रू है तो। और खत्म करने से पहले एक और ऑप्शन, एक और जो मुझे अभी याद आया कि इनकेस अगर मुझे ये ट्राइपॉड सिर्फ माइक के लिए या कि सिर्फ एक पर्पज के लिए चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मैं इस पूरे ऑप्शन को यहाँ से हटा सकता हूँ। ये हट चुका है और अब इस ट्राइपॉड को मैं सिर्फ यहाँ पे कोई DSLR लगा सकता हूँ, कोई माइक लगा सकता हूँ, और यहाँ पर साइड में एक स्क्रीन भी लगा सकता हूँ, कुछ भी, सिर्फ ट्राइपॉड ऐसे भी यूज कर सकता हूँ मैं, और ये पूरा सेटअप भी इसका अलग से हो जाता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर और बहुत ही अच्छी ट्राइपॉड स्टिक है। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी कैमरे से रिलेटेड करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत ही वर्थ इट है। इसी चीज पे हम ब्लॉगिंग किया करेंगे गाइज, और मेरे को बहुत मजा आ रहा है इस पे ब्लॉगिंग करके, तो चलो चलते हैं। हेलो गाइज, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे जो कुल देवता है उनके मंदिर में जा रहे हैं। कौन कौन? मैं, जीजा जी, दीदी जी और बांजी जी।
अभी हम लोग आए हैं मंदिर में, मंदिर आपको दिखा दिया बाबा हरिदास का, और ये अभी आए हैं जाडोदा में, एक मंदिर है और ये है मल्ला, जहाँ पे लोग काफ़ी सारे गैदर होते हैं और साल में दो बार बाबा हरिदास की काफ़ी बड़ी पूजा होती है। जैसे एक जाटों में भी छठ पूजा होती है, तो लोग काफ़ी यहाँ पे साल के दो दिन इकट्ठा होते हैं और भंडारा होता है, लोग काफ़ी मिलते हैं, आके नहाते हैं यहाँ पे, जो आपने देखा अभी, तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता है। मैं तो बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे और आज काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर पे, मंदिर से हो गए हैं। तो कैसा लगा भाई आप लोगों को? आपको कैसा लगा? मुझे भी काफी अच्छा लगा। मैं और शीतल जैसे बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर में, तो शीतल बाबा हरिदास के बारे में पता है कुछ? तो हाँ, काफी हिस्ट्री है जो बचपन से हम सुनते हैं अपने मम्मी पापा से। बताती हूँ कि जो बाबा हरिदास है ना, वो हनुमान जी का ही एक रूप है। कहते हैं कि जैसे उनके रूप होते थे काफी सारे, तो ये उनमें से एक रूप है उनका। एक बार एक पंडित जी थे, उन्होंने कहा इनको कि इनकी शक्तियाँ देखने के लिए कि मैं जो है एक ऐसी गाय बिन ब्याही गाय का दूध पीना चाहता हूँ। अब बिना बच्चा दिए गाय दूध कैसे देगी? तो बाबा हरिदास ने उस टाइम पे हाथ जोड़ा गौ माता से और वो बिन ब्याही गाय थी, उनको बोला कि हे माता मुझे दूध चाहिए ब्राह्मण को पिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए, भोजन के रूप में जो उन्होंने मांगा था। तो उस टाइम पे फिर गाय ने जो है काफ़ी सारा दूध दिया था। उसके अलावा भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं, जब मतलब आप लोग मंदिर में आओगे तो उसकी बकायदा यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है कि उन्होंने क्या क्या किया है, कैसे उन्होंने सूखी जगह पर जहाँ जाड़ोदा कला गांव में ना पहले पानी की बहुत होती थी, तो बाबा हरिदास ने यहाँ आके और यहाँ की ज़मीन से पानी निकाला था। तो बहुत सारे ऐसे किस्से कहानियाँ हैं। तो भाई बहुत सारे किस्से कहानियाँ सुनते हैं हम लोग बचपन से, तो अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे जाड़ोदा में, नजफगढ़ में, दिल्ली में, मंदिर है ये बाबा हरिदास का। हेलो गाइस, तो घर पे आ चुके हैं और आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि पिछले लास्ट एक महीने से ज़्यादा हो चुका था जब हम रेगुलरली कंटिन्यूसली डेली ब्लॉग्स डालते थे, और अभी मैंने बीच में ब्रेक लिया क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अभी भी एक फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, अभी भी एक पार्ट टाइम यूट्यूबर ही हूँ और बाकी टाइम में मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो उस वजह से मैं अभी फुल टाइम ये नहीं ऑप्ट कर पा रहा हूँ। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद है और अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल टाइम पे इस पे जल्दी से जल्दी आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और वीडियोज़ को करें लाइक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे ऑप्ट कर सकूँ। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक और शेयर, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।